इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल जो एलिमेंट है वो इंजेक्ट किया गया है। काफी बड़ा ड्रम है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो हायर अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर पे 10 ईयर्स की वारंटी। अब इनसाइड ड्रम हम विजिट कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसके ड्रम को। इस वॉशिंग मशीन की वॉशिंग एंड स्पिनिंग कैपेसिटी है 8 kg। इस वॉशिंग मशीन की प्राइस है ₹20। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फुली ऑटोमेटिक सेगमेंट में फ्रंट लोड की एक वॉशिंग मशीन का। ये हायर की टॉप ऑफ द लाइन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। अगर हम इस वॉशिंग मशीन के मॉडल कोड की बात करें तो ये HW80BP12929S3 है। इस वॉशिंग मशीन की वॉशिंग एंड स्पिनिंग कैपेसिटी है 8 kg। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट का रिव्यू ले लेते हैं, बाद में हम इसके प्रोग्राम्स और फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। इस वॉशिंग मशीन की कैबिनेट का कलर है सिल्वर ओर, जबकि इसका कंट्रोल पैनल और डोर का जो रिम है वो ब्लैक कलर में है विथ ग्लॉसी फिनिशिंग। ये सामने आपको इसकी व्यूइंग विंडो नजर आ रही है, डबल लेयर्ड ग्लास के साथ होती है ये। इसके आउटर रिम का साइज है 525 mm जो डायमीटर है इसका। यहां फ्रंट पे आए तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, यहां इसका लोगो आ जाता है। ये है इसके प्रोग्राम्स का जॉग डायल या सिलेक्टर। यहाँ आए तो आपको फंक्शंस के डिफरेंट बटन्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ टॉप लेफ्ट पे आता है इसका डिटर्जेंट और सॉफ्टनर का ड्रॉर। इसमें दो सेक्शंस बने हुए हैं, एक में डिटर्जेंट आप डालेंगे और दूसरे में जो सॉफ्टनर। तो चलिए अब इनसाइड ड्रम हम विजिट कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसके ड्रम को। स्टेनलेस स्टील का ड्रम है और ये पिलो ड्रम कहलाता है अपनी शेप्स की वजह से। ये देखिएगा ये जो शेप्स हैं, यहाँ माइक्रो होल्स भी नजर आ रहे होंगे। ये अगर इसके पास आए, ये जो एक आपको उभरी हुई चीज नजर आ रही है ये है पैडल। यहां से जो कपड़ा है ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर से नीचे गिरता है, ये होता है इसका टंबलिंग एक्शन। अब मैं आपको इस वॉशिंग ड्रम के करैक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। ये ड्रम जो है 525 mm साइज का है। अगर डायमीटर की बात करें, ये काफी बड़ा ड्रम है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं। इस ड्रम का डायमीटर ज्यादा है और डेप्थ कम है, और हायर इसे कहता है मोर स्ट्रेच, मोर क्लीन एंड मोर स्लिम। और जाहिर है जब ड्रम का डायमीटर बड़ा होगा तो होगा क्या कि जो कपड़ा है इस पैडल से जब ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे गिरेगा तो हाइट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कपड़ों की सफाई जो है बेहतर होगी। वैसे भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स में जो टंबलिंग एक्शन होता है वो टॉप लोड मशीन्स के इंपेलर या पल्सेटर की निस्बत ज्यादा सफाई करता है। ये जो टेक्निक होती है टंबल टेक्निक। यहाँ अगर हम मशीन के नीचे की तरफ जाएं तो ये है इसका फिल्टर कवर, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, अगर हम बैक साइड ऑफ द वॉशिंग मशीन जाएं तो यहां आपको वाटर इनलेट नजर आएगा, ये है। और यहां बैक साइड पे आपको जो वॉशिंग मशीन का होज पाइप भी नजर आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट का ये रिव्यू, कि देखने में प्रोडक्ट कैसी लगती है? एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा कुछ वैल्यू एडेड फीचर्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स और यहाँ आपको फंक्शंस तो नजर आ रहे होंगे, ये प्री प्रिपेयर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और इन मशीन्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपके वॉशिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर हायर की इस वॉशिंग मशीन के सबसे अहम फीचर की बात करूं तो वो है इसकी एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। तो ये जो एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है किसी और वॉशिंग मशीन में नहीं है, यानी किसी और ब्रांड में। अब हायर क्या कहता है कि इस मशीन को बनाते हुए जो इसकी गैस्केट है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, रबर की ये गैस्केट, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल जो एलिमेंट है वो इंजेक्ट किया गया है। और इसी तरह जो इसका डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर ड्रॉर है, ये जो इसके पोर्शंस हैं, इसकी प्लास्टिक की मेकिंग के दौरान जो है वो एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट को इंजेक्ट किया गया। अब क्योंकि इन पार्ट्स में जो लिक्विड होता है पानी की सूरत में ठहरता है और यहाँ बैक्टीरिया पैदा होने का अंदेशा होता है, लिहाजा हायर की इस एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी की वजह से 99.9% बैक्टीरिया पर कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा अहम फीचर इस वॉशिंग मशीन की जो BLDC इन्वर्टर मोटर है, ये ब्रशलेस डायरेक्ट करंट इन्वर्टर मोटर कहलाती है।
ये मोटर नॉइजलेस है और लेस वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वॉशिंग मशीन्स की जो स्टैंडर्ड मोटर्स होती हैं उनसे कई गुना बेहतर है। नंबर 3 पे जो इसका अहम फीचर है वो है इसका डुअल स्प्रे। ये मशीन अपना वॉशिंग साइकिल कंप्लीट करने के बाद दो तरह का दो डायरेक्शन से स्प्रे करती है। ये बेसिकली पानी का स्प्रे होता है ताकि जो ड्रम में अगर कोई गंदगी या मैल है तो वो साफ हो जाए। इसके अलावा अगर ये जो इसका ग्लास है डोर का, यहाँ भी अगर कोई चीज लग गई है, जुड़ गई है, वो भी जुदा हो जाएगी स्प्रे से। और तीसरा अहम फीचर जो इस वॉशिंग मशीन में है वो है लेजर सीमलेस वेल्डिंग, यानी कि इस ड्रम को जोड़ते हुए उन्होंने लेजर के थ्रू इसकी वेल्डिंग की है ताकि दो जो जॉइंट्स हैं वहां कपड़े ना फंसे। ये काफी स्मूथ ड्रम होता है, सीमलेस है। तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इस वॉशिंग मशीन के प्रोग्राम्स को। ये टोटल नंबर ऑफ 15 प्रोग्राम्स हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि ये प्री प्रिपेयर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी मेमोरी में प्रोग्राम्ड हैं। लेट से अगर मैं ये कॉटन वाला जो इसका प्रोग्राम है इसकी बात करूं तो ये कॉटन बेसिकली वॉश साइकिल है। इसमें तीन तरह के जो साइकिल्स होते हैं, वॉश, रिंस एंड स्पिन। तो इन तीनों एक्शंस की जो टाइमिंग्स हैं वो ऑलरेडी फीडेड हैं। अब बाकी आपको प्रोग्राम्स नजर आ रहे होंगे, मैं इनकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। हाँ, यहाँ एक क्विक 15 जो है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला, यानी कि अगर आप जल्दी में आप चाहते हैं कि आपके कपड़े 15 मिनट में धुल जाएं, अब डिपेंड करता है इसमें कपड़ों का वेट कितना आपने डाला और कितने ज़्यादा मैले हैं। तो इस सूरत में ये कम मैले होने चाहिए और वेट भी 3-4 kg मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये वॉशिंग मशीन क्या करेगी, जब आप क्विक 15 पे इसका जॉक डायल ये सिलेक्टर लेके आएंगे तो ये 15 मिनट्स में वॉश, रिंस और स्पिन करेगी। यहाँ आपको ड्रम क्लीन का जो प्रोग्राम भी नजर आ रहा होगा। मशीन का जो ड्रम है हमें साफ करते रहना चाहिए, डिपेंड करता है आप कितनी वॉशिंग करते हैं, एक वीक में या इन अ मंथ। अब हम एक्सप्लेन करते हैं वॉशिंग मशीन्स के इन फंक्शंस के बटन्स को। यहाँ टोटल नंबर ऑफ 6 फंक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, जैसा कि डिले, स्टीम, टेम्परेचर, स्पीड, एक्स्ट्रा रिंस, स्टार्ट एंड पॉज। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिले के फंक्शन को। सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं और आप चाहते हैं कि अपनी वॉशिंग को डिले कर दें चंद घंटों के लिए, तो बशर्ते इस वॉशिंग मशीन में कपड़े, डिटर्जेंट और पानी होना चाहिए। आप 24 आवर्स में से जितने भी आवर्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेट से 5 आवर्स, तो होगा क्या कि टाइम पूरा होने पे ये वॉशिंग मशीन खुद स्टार्ट हो जाएगी और वॉशिंग शुरू कर देगी। इस वॉशिंग मशीन में एक फंक्शन है स्टीम का। अब ये स्टीम करता क्या है कि जो भी वॉश साइकिल आपने सेलेक्ट किया है और स्पिन करने के बाद ये कपड़ों पे स्टीम का स्प्रे करेगा जिससे कपड़े रिंकल फ्री हो जाते हैं और फ्रेशनेस आ जाती है। और तीसरा जो फंक्शन है वो है टेम्परेचर का, वाटर टेम्परेचर का, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है आप 20, 30, 40, 60, 90 degrees Celsius तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा फंक्शन है स्पीड का, यानी कि कपड़े को स्पिन करते हुए जो ड्रम की स्पीड होगी ये स्पीड होगी RPM में। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी 400, 600, 800, 1000 एंड 1200 RPM की। इस वॉशिंग मशीन के मैक्सिमम RPM है 1200, ये राउंड पर मिनट होते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है जो एक्सप्लेनेशंस मैंने दी हैं वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सवाल आता है कि हायर ही क्यों, क्योंकि हायर R&D बेस्ड प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में देता है। इसके आफ्टर सेल्स का नेटवर्क पाकिस्तान भर में मौजूद है, यानी कि इसकी जो वर्कशॉप्स हैं। व्यूअर्स, अब मैं बात करता हूँ हायर की तरफ से अपनी वॉशिंग मशीन्स पे ऑफिशियल वारंटी की। तो हायर अपनी वॉशिंग मशीन्स की मोटर पे 10 इयर्स की वारंटी देता है, PC बोर्ड पे 3 इयर्स की, जबकि वॉशिंग मशीन के पार्ट्स पे 1 ईयर की। अब हम बात करेंगे इस वॉशिंग मशीन की प्राइस की एज ऑफ टूडे, यानी कि 3rd October 2022। इस वॉशिंग मशीन की प्राइस है ₹1,20,000। स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है। इसी तरह मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ऑनलाइन वेबसाइट का एड्रेस दे दूंगा। इसके अलावा हमारे स्टोर्स जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके एड्रेसेस भी होंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।